माइंडसेट को बेटर स्टेज। हमने लॉ पे बात कर ली, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सर बोलते हैं कि हर चीज मानसिकता है और हमारे बोले हुए शब्द मेरे बिजनेस का बनाना या बिगाड़ना करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इजी बिजनेस, यस और नो? यस और नो? यस और नो? जोर से बोलो, यस और नो? 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 अरे नहीं है भाई, मना कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का आसान बिजनेस नहीं है, यह सर दुनिया का सबसे सरल बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिंपल बिजनेस। हम बोलते हैं आसान बिजनेस है, आसान है तो कोई भी निखट्टू कर सकता है, तो हम किसको ढूंढने जाते हैं बाजार में? बेचारा लाचार, जिसने कभी कुछ ना करा जिंदगी के अंदर, हम उसको पकड़ के जा रहे हैं। जिसका कोई नहीं होता, उसके दो होते हैं, एक भगवान दूसरा नेटवर्क का। लेकर उसी को आते हैं अपन, तेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा तो आप अच्छा। अरे भाई जंग लड़ने जा रहे हो या क्या? आप फौज बनाने जा रहे हो भाई, फौज नेताओं वाली भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है आपने। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल है, दोनों में अंतर समझिएगा। दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, हर चीज सिंपल होती है। अच्छी सेहत पाना सिंपल है, सुबह उठ के वॉक करना और हेल्दी खाना खाना, इतने तो करना है। किस किस को नहीं पता ये बात? पता है। करते कितने लोग हैं? कोई नहीं, बहुत कम लोग। क्यों? क्योंकि सिंपल है, आसान नहीं है। सुबह उठना पड़ेगा, जुबान के सेहत स्वाद को छोड़ना पड़ता है, पकोड़े जब दिखते हैं तो मना करना पड़ता है। सिंपल है, आसान नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग भी सिंपल बिजनेस है, जो कि आपको सिखाने के लिए पूरी टीम है, एक सिस्टम है, मगर आपको काम करना पड़ेगा सर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग पार्ट टाइम पर जा रहे हैं, उनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। आपको पनीर के लिए मेहनत करवानी है। जब आदमी एक दुकान खोलता है तो 3 साल का माइंडसेट लेके बैठता है कि बिक्री हो या ना हो, मैं दुकान खोलूंगा, रोज रोज खोलूंगा। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में डेली प्लान दिखाते हैं? डेली प्लान दिखाना एक आदमी को आसान है या मुश्किल? आसान। सिंपल है सर, आसान होता तो सब करते। सिंपल है नेटवर्क मार्केटिंग, एक सिंपल बिजनेस है। शब्द को बदलिए, आसान नहीं है। जब आप आसान बोलते हैं तो निकम्मा व्यक्ति आता है, जब सिंपल बोलेंगे तो समझदार व्यक्ति आएगा। दोनों में अंतर है। यस मीन्स क्लोजिंग, ये मैंने क्लियर कर दिया। यस मीन्स क्लोजिंग नहीं होता, क्लोजिंग मीन्स अ डिसीजन फोकस ऑन क्लोज इन। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यस और नो? नो। फास्ट एंड कंसिस्टेंट विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी ने कभी रेस ना जीती, वो कहानियां थी। अगर खरगोश सोए ना तो कछुए की हिम्मत उसे हरा दे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, गई कहानियां। कछुआ सो गया था, सॉरी खरगोश सो गया था। आपको क्या लगता है ये खरगोश सोने लगा, ये बाइक वाला बैठा, ये सोएगा? मतलब ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर पता कौन होता है? नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्यों है आपका? आपकी क्रॉस लाइन और आपकी अपलाइन, दूसरी कंपनी वालों नहीं होता। उसके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है जो आपको बेचने वाले हो। उसके आपके जैसे कॉमन प्रोडक्ट किसके पास है? आपकी क्रॉस लाइन और आपकी अपलाइन के पास, और आपकी डाउन लाइन के पास। तो आपका कॉम्पिटिशन वो है, दूसरी कंपनी वाला नहीं। एक बार कोक का बिजनेस हेड, वर्ल्ड ओवर का बिजनेस हेड एक मीटिंग कर रहा था। उसने सवाल पूछा, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन क्या है? तो लोगों ने बोला पेप्सी। उसने कहा ना, टी, चाय। आज पेप्सी जो बेच रहा है वो कहीं ना कहीं तो मेरे कोला को ही प्रमोट कर रहा है ना भाई, वो तो कहीं ना कहीं कोला प्रमोट कर रहा है। पेप्सी पर कल को कोक भी ट्राई कर ही लेगा। दिक्कत क्या है? तो चाय पी रहे हैं, चाय वाले को कोला पिलाना है। अपन लड़ किससे रहे होते हैं? अपने साथी से। एक कंपनी वाला दूसरे से ले, मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, मेरा प्लान तेरे प्लान से ज्यादा बेटर है। खामखा की लड़ाई है। अपना कॉम्पिटिशन वो नहीं है, उससे मत लड़ो, वो आपका दोस्त है। वो जाके किसी को प्रोडक्ट समझाता, कुछ समझाता तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव कर रहा है। आपका कॉम्पिटिशन वो व्यक्ति है जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया है, आपको उसको लेके आना है। अपना फोकस क्लियर कीजिए।
जब कहीं फोकस क्लियर होगा, कहीं माइंडसेट क्लियर होगा, तो आप बेहतर ढंग से लोगों को अप्रोच कर पाएंगे। दूसरी चीज, कभी भी किसी को डिफेम मत कीजिए।